अगर प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखोगे कि गामा बी द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो गामा वन है वो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर फॉर कॉन्स्टेंट मोनो एटॉमिक गैस, तो गामा फॉर मोनो मोनो एटॉमिक गैस, तो अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ से गामा वन है वो 5/3 है, ठीक है, आप सबको याद होगा। और गामा टू फॉर सिमिलर रेशियो ऑफ द डाई एटॉमिक गैस, तो गामा टू फॉर डाई एटॉमिक गैस, तो अगर गैस डाई एटॉमिक है तो उसके लिए जो गामा टू की जो वैल्यू है वो है कितनी होती है भैया? 7/5, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना पड़ेगा, याद होगा, और अगर नहीं याद है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें याद होगा तो देखो, अगर ये वैल्यू याद है तभी तुम इस सवाल को कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो गामा वन अपन गामा टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/3 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 7/ गामा टू अपन, तो यहाँ पर देखोगे 7/5, मतलब ये आ जाएगा 25/21। तो 25/21 इसका सही है, तो 25/21 मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी सारे इसके गलत है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, आसान था, रट्टा मारता। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।